देखो भाई, इस हफ्ते में 13 और 14 तारीख को दो खास अवसर आए, एक था बैसाखी और एक था डॉक्टर अंबेडकर जयंती। पहले हम बैसाखी की बात करते हैं। बैसाखी क्या होता है? स्कूल में मनाया गया बैसाखी? क्या करा था स्कूल में? क्या हुआ? डांस हुए थे। और क्या हुआ था? एक्टिंग ऑफ पंजाबी, पंजाबियों की एक्टिंग करी है। देखो, बैसाखी जो है वो सिखों का त्योहार है। और इस दिन क्या हुआ था, जो सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु, कौन थे पता है? गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद गुरु गोविंद सिंह ने इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना का मतलब है उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया 5 लोगों का। वो 5 जो लड़के थे, युवक थे, वो अलग-अलग जातियों के, अलग-अलग जगह के थे, और उन्होंने 5 को निकाला और उनको कहा पंच प्यारे। क्या कहा? हाँ, और उनको कहा कि आप बाल नहीं कटाओगे, सिर पर कपड़ा बांधोगे, हाथ में कड़ा पहनोगे, एक कृपाण रखोगे, कच्छ पहनोगे। ऐसे करके उन्होंने उन 5 लोगों को पंच प्यारे बना दिया। और खालसा पंथ की स्थापना का उद्देश्य था मानवता को बचाना, धर्म की रक्षा करना। तो इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, आतताइयों से बचाने के लिए धर्म को उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण भी दे दिए। उनके बच्चे भी उनके सामने दीवार में चिनवा दिए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहब जो हैं, उनको ही उन्होंने गुरु बना दिया। गुरु ग्रंथ साहब जानते हो? गुरुद्वारे में एक बहुत बड़ी पुस्तक रखी होती है, और हाँ, वो होली बुक होती है उनकी, गुरु ग्रंथ साहब। उस गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारे कवियों के, गुरुओं के भजन है, वचन है, सब चीजें उसमें हैं। और वहां पे जो बैठे होते हैं वो चमर ऐसे करके डुलाते रहते हैं, मक्खी उड़ाते रहते हैं, यानी हम उनकी पूजा करते हैं गुरु ग्रंथ साहब के। लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, लंगर करते हैं। तो ये जो खालसा पंथ की स्थापना हुई, ये बैसाखी के दिन हुई थी। और बैसाखी चूंकि बैसाख में मनाया जाता है, बैसाख के महीने में, इसलिए उसको बैसाखी कहते हैं। और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं लोग, दान करते हैं और पूजा करते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, खूब नाचते गाते हैं, तो खूब धूमधाम से मनाते हैं। तो हम सब ने भी ये बैसाखी मनाया, स्कूलों में मनाया जाता है। और हम ये प्रण करते हैं कि हम भी अपने धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है? हाँ, तो ये हुई हमारी बैसाखी। हमने बैसाखी